डांस मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पैशन भी है। मुझे सीधा इशो के फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, लेकिन ऑनेस्टली मैं इसे लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को ऐसे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेन करती हूँ। क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरी मॉम से बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए मेरे डांस के प्रति जो मेरा प्यार है उस चीज़ के लिए मैंने हाँ किया। जी, तो ये लुक डांस के लिए था और हमने एक डांस किया गुजारिश के सॉन्ग पे, उड़ी नींदे ख्वाबों से जुड़ी रातें ख्वाबों से, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें ये लुक था, स्पैनिश, लिटिल स्पैनिश टच, या सो दैट इज अबाउट इट। बात करें डांस की तो लास्ट तक पहुंची, कहने का मतलब अनाउंसमेंट भी हो गया, कुमार जी भी आए हैं, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है, आज का दिन बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। कुमार शानू जी आए हैं और बचपन से उन्हें देखा है, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, तो बहुत खुश हैं हम। और क्या उन्होंने समा बांधा है, क्या एनर्जी है सेट पे, बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, बात करें ट्रॉफी आपके हाथ मिल चुकी है, जी जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? शी इज़ हैप्पी, वो जीतना चाहती थी और वो जीत गई, बट आई थिंक जब आप जो चीज़ हासिल कर लेते हो, उस चीज़ को हासिल करने के बाद आपको एहसास होता है कि मे बी जितना मैंने सोचा था कि मैं खुश होंगी, उतनी मैं खुश हुई नहीं, एंड देर इज़ मोर टू लाइफ, एंड मे बी आई वॉन्टेड टू कॉन्कर समथिंग एल्स, बट मैं अपनी बड़ी जीत इन छोटी छोटी जीत में ढूंढ रही थी, जबकि मैं अभी भी पूरी तरह से जीती नहीं हूँ। सो बात करें, सो बहुत अच्छा जा रहा है, जी हम चाहते हैं कि इससे और अच्छा जाए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हम भी यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमें सपोर्ट करते रहे, अभी तक शो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत सपोर्ट किया है ऑडियंस ने। आई होप हमें नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था, आज हम नंबर 2 पे हैं और जल्द ही हम नंबर 1 बनेंगे। बात करें सीन का, तो आपके सीन को बहुत पसंद किया जा रहा है, ऑडियंस भी पसंद कर रही है। कौन से सीन को पसंद किया जा रहा है? बहुत सारे सीन जो हैं आपके, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ लेके आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? पसंद किया जा रहा है तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ, ट्विस्ट तो देखो, अनी लव्स जनक, जनक लव्स अनी, इट्स अ सिंपल स्टोरी। मसाला तो किसी को ऐड करना पड़ेगा, वो तूफान तो किसी को मचाना पड़ेगा, और वो तूफान मैं मचाती हूँ, तो आप तूफान लगेगा तो सबको बुरा, क्योंकि तूफान तबाही के साथ आता है, बट अगर सिंपल प्लेन चीज़ें रहेगी तो कहाँ मज़ा आएगा। थोड़ा सा होता है ना पानी पूरी में, भैया थोड़ा और तीखा डालिए, भले ही आँखों से आंसू आ जाए, खाया ना जाए, बट वो जब तक वो तीखापन ऐड नहीं होगा, पानी पूरी का मज़ा नहीं आएगा। ओके, लास्टली फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? शो देखते रहिए, शो को प्यार दीजिए, मुझे भले ही नफरत दें पर शो को प्यार दीजिए, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।